want to connect and want to give a message. पता नहीं क्या मैजिक है, बट सुशांत आजकल मैसेज देने के लिए 47 क्यों दे रहे हैं और अपना कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है. 2 11 विच इज़ 2 अगेन 7 विच इज़ 4, दिस इज़ 47 और ये 5 है, मतलब 14 है बेसिकली. सो दिस इज़ 4 7 1 4, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. अब लेट मी सी इफ आई कैन सी हिम, आई कैन सी हिम एंड डेफिनेटली मैसेज तो है, किंग ऑफ कप्स है लास्ट में और मैसेज है भी कि सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं और स्पेसिफिकली किसी के रिसोर्सेज पे नज़र रखी जा रही है कि कब वो ख़त्म होंगे और कब स्टेप लिया जाएगा. तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. लेट मी शफल दिस वंस अगेन एंड देन मुझे ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर कार्ड से पर्टिकुलर मैसेज है, तो आई विल ट्राई टू पुट दैट अक्रॉस टू यू गाइस. ठीक है, सो लेट मी सी. ओके यस, सो चीज़ों का रोशनी में आना इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड मुझे इसके साथ में ना एक बहुत स्ट्रांग डेथ एनर्जी दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ देयर एंड एक्चुअली उनका कार्ड लास्ट में है. सो लाइक आई सेड दैट एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी बहुत स्पेसिफिक कार्ड से, तो लेट मी जस्ट चेक कौन सा कार्ड है और क्या मैसेज है एंड आई विल गिव इट अवे टू यू. सो दो कार्ड्स जो मेरे को बिल्कुल नज़र के सामने जिगर के पास एकदम जोर से दिखाई दिए, वो मैं उनका मैसेज जो है वो मैं आप तक कन्वे कर देती हूँ एंड हिज लाइक स्टोरी ये देनी है, तो आई विल गिव यू द स्टोरी ऑफ दोज कार्ड्स एंड दिस इज़ डेफिनेटली वेरी क्लियर बिकॉज ये भी बाय द वे 4 है और 17 है, तो 417 की एनर्जी बनती है यहाँ पर भी. एंड दिस इज़ लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून है नीचे, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंजिंग एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी न्यू, लेकिन उसमें डेथ एनर्जी डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व है, बट दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग हिम. सो लेट्स सी. ओके सुशांत, ओके सो दो तीन कार्ड्स आए हैं मेरे पास और दिस इज़ द स्टोरी. आई एम गोइंग टू गिव यू स्टोरीज बिकॉज इज लाइक नॉट लिटरल वर्ड्स, आई हैव टू गिव स्टोरीज. सो पहला कार्ड जो है वो बोलता है बी हम्बल. सो लेट मी सी बी हम्बल की जो कहानी है वो क्या है, सो दैट मैं आपको एग्जैक्ट कहानी दे पाऊँ सो दैट यू नो दैट क्या है. मैं पॉज करके निकालूंगी बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लुक फॉर द स्टोरीज इन दिस बुक. सो मुझे एक मिनट स्टोरीज देखने दीजिए. ओके सो मेरे पास स्टोरीज आ गई हैं. पहली स्टोरी जो है बी हम्बल, वो बोलता है कि जो गलियां थी वो बिजी थी क्योंकि लोग इंद्र की प्रिपरेशन के लिए वेट कर रहे थे जो कि रेन्स का गॉड है, और कृष्ण ने इंटरप्ट किया और लोगों को बोला कि वृंदावन जो वृंदावन की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर है जो वो गोवर्धन पर्वत है जो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, और इसीलिए लोगों ने अग्री किया कि गिरिराज की जो वर्शिप है वो करनी चाहिए. और जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र गुस्सा हुए और एंगर के कारण उन्होंने ऑर्डर किए फ्लड्स और डिजास्टर्स लैंड पे, और उस वक्त जो माउंटेन है उन्होंने कृष्णा ने अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया और लोगों को सेव किया. और इंद्र ने जब ये देखा और उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि कृष्ण जो हैं उनके फॉल्स प्राइड को शैटर कर रहे हैं, मतलब उनके घमंड को तोड़ रहे हैं, तो वो कृष्ण के पास हाथ जोड़कर आए और उन्होंने फॉरगिवनेस जो है वो मांगी, और कृष्ण ने उन्हें फॉरगिव किया और एनलाइटन किया धर्म के साथ और ड्यूटीज़ के साथ. अब यहाँ पे मुझे पहली ही एनर्जी में दो मैसेजेस दिख रहे हैं. एक मैसेज ये है दैट कोई ऐसा इंसान जिससे पावर ले ली जाए और पावर लेने के कारण, पावर उससे छीनने के कारण वो बिल्कुल एकदम पागल हो जाए और कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो उसको नहीं कर लेने चाहिए जिसकी वजह से कोई डिजास्टर हो. दूसरा मुझे यहाँ पर लिटरली फ्लड्स और डिजास्टर, मतलब नेचुरल कलेमिटी की एनर्जी दिख रही है जो कि कृष्ण भी दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण साथ में ये बोल रहे हैं या सुशांत साथ में ये बोल रहे हैं कि जिनको प्रोटेक्ट करना होगा उनको मैं प्रोटेक्ट कर लूँगा. ठीक है, सो दूसरी एनर्जी यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन की. ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का. इसकी स्टोरी क्या है, यदु जो है वो बहुत प्लेजर लविंग बन गए थे और उनके मोरल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, और कृष्णा के प्रोटेक्शन के कारण उनको कोई भी डर नहीं रह गया था. कृष्ण ने ये देखा और उनको पता था कि अब रिफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद ही नई सीड जो है वो बोई जा सकती है. तो उनकी वाइफ जो है जामवती, उनको हमेशा एक सन की डिज़ायर थी. कृष्ण ने मेडिटेट किया, प्रे किया कॉन्टिन्यूसली कि ऐसा सन जो है, ऐसा बेटा जो है उनकी लाइफ में आ जाए, और फाइनली बहुत सालों के बाद डिज़ायर फुलफिल हुई और शिव ने उनको प्रॉमिस किया कि उनकी लाइफ में ऐसा ही बेटा जो है आएगा. कृष्ण अपने हाथ दिल में जानते थे कि शिव ही
इस एनर्जी, इस क्रिएशन को बीट कर सकते हैं। एंड वो जानते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रक्शन से ही प्रोसीड होगी, और दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर जिस तरह से मुझे ये स्टोरी जो है वो समझ आ रही है वो ये है दैट किसी के कुल को, अपने ही कुल को खुद ख़त्म करने की एनर्जी, क्योंकि उनको पता था कि अब जो मेरा कुल है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं या मेरे जो मेरे साथ के जो हैं वो मेरे मेरे वंश के जो हैं, मेरे अपने बच्चे या उनके बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और इसीलिए अब उनको जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ यू सी तो एनर्जी फिर से वैसी ही है दैट जो लोग गलत रास्ते पे हैं और जो पूरा का पूरा कुल या पूरा का पूरा जगह या पूरा का पूरा एरिया उसका विनाश होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। और तीसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो राधा की फीलिंग्स जो हैं वो समझते थे और इसीलिए उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की जब वो उनके साथ ना हो, और इसीलिए सुप्रीम गॉड जो है उन्होंने समय चक्र भी रोक दिया था। नाउ अब यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है, जो मैसेज सुशांत, क्योंकि मैंने बोला डेथ से इन्वॉल्व होंगी, जो मैसेज सुशांत दे रहे हैं किसी की पावर को चैलेंज किया जाएगा जिसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठे और जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले जो बहुत ज़्यादा बुरे होंगे, और वो स्टेप्स जो हैं उसके अपने ही कुल को, अपने ही एरिया को, अपनी ही लाइफ को ख़त्म करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिलैक्स रहें, क्योंकि कृष्ण ने जो करना है, जो स्टेप्स लेने हैं, जहाँ जिसके साथ जो समय बिताना है वो बिताएंगे और समय को रोक कर भी बिताएंगे। ओके, दूसरा एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है नेचुरल कलेमिटीज की, और जो आना जरूरी है, और वो बहुत सारा एरिया बिल्कुल साफ कर देंगे प्रोबेबली, लेकिन इसी बीच में मतलब ऐसा होगा कि समय थम गया है और लोग अलग ही एनर्जी से कनेक्ट होता हुआ खुद को महसूस करेंगे, स्पेशली द सोल फैमिली, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दीज आर वेरी वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगा दैट बहुत स्पेसिफिक कुछ वो बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे भी मैसेज आ गए, इज लाइक बुक से बोलना है आज, तुमने नहीं बोलना है। सो यहाँ पर 8-8 की एनर्जी है, आई जस्ट सॉ 8-8 की एनर्जी सुबह में, मतलब गाड़ियाँ थी कुछ, एंड आई सॉ दिस एनर्जी ब्यूटिफुली। ओके, सो पहला कार्ड बोलता है फेदर, थिंक बिफोर यू जज, और वो बोलता है कि क्या आपने अपनी ही सिस्टर को इसलिए ऊपर उठाया है ताकि आप उसको दोबारा आग पर गिरा दो, सिचुएशन को एग्जामिन करो, आपकी जजमेंट जस्टिफाइड है या सोसाइटी जो है वो आपको अपने स्टांस पे ट्रिक कर रही है, आफ्टर ऑल हर चीज़ जो है वो आफ्टर ऑल सोसाइटी की हैबिट है आपको बिलीव कराने की कि दूसरी लड़कियां जो हैं वो आपका कंपटीशन है और उनको परफेक्टली आपको हर हर टाइम पे परफेक्ट बिहेव करना चाहिए। तो स्टेप बैक कीजिए, अपना टाइम लीजिए फिगर आउट करने को, इट इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर एट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ एक्टिंग रैशली। तो ये एनर्जी है जो बोलती है कि आपको रैश एक्ट नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके सामने ऐसे आने वाली हैं जिनको आप इमीडिएटली समझ नहीं पाओगे, लेकिन इमीडिएटली समझ नहीं पाओगे का मतलब नहीं है कि आप उस वक्त रैश एक्ट करें या जिस वक्त जिस तरह सोसाइटी ने आपको सिखा दिया है आप उसी तरह एक्ट करें। यहाँ पर सिस्टर एनर्जी भी है, और अब ये लिटरली सिस्टर के साथ कोई चीज़ कनेक्टेड है या फिर कुछ और है, आपको जज नहीं करना है, सिचुएशंस को धीरे धीरे देखना है और रैशली एक्ट नहीं करना है, और स्पेशली जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का काम होगा, उस टाइम पे आपको रैशली एक्ट नहीं करना है कि अरे इसको क्यों पकड़ लिया, अरे ये क्यों यहाँ के क्यों हो गया, अरे यहाँ पे तो लोग अच्छे थे, अरे इनके साथ। याद रखिएगा कि आप नहीं, अभी आपको नहीं पता है गहराई से चीज़ों का। दूसरा कार्ड जो है विंग्स, और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप एक नेवर एंडिंग सेल्फ डाउट और सेल्फ क्रिटिसिज्म की साइकिल में फंसे हुए हो, और जब भी आप अपने आप को बोलते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो इसको नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरह लिया जाता है और ये बहुत टॉक्सिक होती है। जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमें अच्छे से ट्रीट करें, वैसे ही हमें अपने आप को भी अच्छे से ट्रीट करना है। पंछी जो हैं वो उड़ नहीं सकते अगर आप उनको पिंजरे से बाहर ना निकालो, तो कई बार डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में लाना ज़रूरी है ताकि आप पिंजरे से बाहर निकल पाओ। और लिटरली मुझे वही लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं ऑन द फेस, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आपको वो विंग्स देने के लिए, आपको आपकी रियल एबिलिटीज़ का पता कराने के लिए, बताने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एंड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ आर ओपनिंग एंड इट इज़ अ बिग चेंज दैट इज़ कमिंग। सो बी प्रिपेयर फॉर इट गाइज, एंड बी फोकस्ड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और बाकी और कोई मैसेज होगा तो आई विल सेंड इट अक्रॉस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।